Okay, wait, wait, wait. Have you ever wondered about how this kind of videos are made? Hey, you guys, Akash, welcome back to my YouTube channel. So, कैसे हैं आप सब लोग? Hope करता हूँ बढ़िया होंगे. So, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट के बारे में. So, this is the product और ये जो है मेरे को भेजा है hotpit.in ने. So special thanks to hotpit.in for sponsoring this video. Alright, so move करते हैं अपन लोग and unbox करते हैं इस box को और बताते हैं कि क्या है इस box के अंदर. So फिलहाल आज जो है मैं आया था मेरी पापा की स्कूटी से which is Activa 3G. तो yeah, and यहाँ पे जो है अपना रखा हुआ है box जिसके अंदर हम लोगों को vertical mount देखने को मिल जाता है. तो अभी जो है इसको unbox करते हैं. इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको इस helmet के बारे में. ये helmet आप लोगों ने देखा लग रहा होगा. एंड ये है अपने रितेश भैया का. अगेन इन्होंने जो है मेरे को फिर से हेल्प करी है. सो शाउट आउट टू रितेश मोरे भैया, आपका इतना अच्छा सपोर्ट मेरे को मिला है यहाँ पे. आपने जो भी प्रोडक्ट्स लिए हैं सब आपने मेरे को दिए हैं यहाँ पे रिव्यू करने के लिए. एंड इवन विदाउट आस्किंग वो मेरे को कहते हैं कि आकाश तू एक काम कर, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना ले, तेरे पास एक कंटेंट हो जाएगा. सो या थैंक यू भैया फॉर गिविंग मी दिस हेलमेट टू इंस्टॉल द वर्टिकल माउंट. या लेट्स अनबॉक्स दिस. तो यहाँ पे जो है बॉक्स को ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक hotpit.in का स्टिकर देखने को मिल जाता है. एंड काफ़ी अच्छा स्टिकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ये जो है मैं अपने लैपटॉप पे लगाने वाला हूँ. और इसी के साथ साथ द hotpit crew ये एक और स्टिकर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है. तो दो स्टिकर इन्होंने इसमें भेजे हैं. द थर्ड थिंग हियर इज द hotpit क्रियो की चेन की रिंग, जो भी आप कह सकते हो. तो ये भी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है देखने पे. एंड काइंड ऑफ फैब्रिक मटेरियल पे है ये भी. तो इस टाइप की चेन जो हैं आपके बाइक पे जो है यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं मारती. तो यार डेफिनेटली बहुत अच्छा है ये भी. या सो द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है मेन माउंट, जो कि काफ़ी अच्छे से बबल रैप करके इन्होंने दिया हुआ है. तो या लेट्स अनबॉक्स दिस. एंड बाकी इस बॉक्स में और कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिलता बबल रैप के अलावा. तो इसको रखते हैं साइड में एंड लेट्स अनबॉक्स द वर्टिकल माउंट. खुल जा निकल जा. ऑल राइट, सो दिस इज द प्रोडक्ट. एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो HP लिखा हुआ है विच इज़ hotpit. तो यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग दी हुई है. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में एंड काफ़ी स्टर्डी मटेरियल लग रहा है. सो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है इन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड 3D मॉडल यहाँ पे जो है एक रेडी करा है फॉर माउंटिंग दी GoPro वर्टिकली ऑन हेलमेट. तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट लगा मेरे को एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और काफ़ी स्टर्डी मेरे को यहाँ पे लगा है. सो अ ग्रेट इनिशिएटिव hotpit.in. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मेरे को ये लगा. वेल कंपेयरिंग दिस वर्टिकल माउंट, तो यहाँ पे जो है मैंने मार्केट में एक और माउंट देखा है जो कि आई थिंक कंपनी का नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा. तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा एंड साइड पे मैं दिखा दूंगा, उसकी इमेज आप लोगों को डाल दूंगा. सो उसको भी जो है मैंने यहाँ पे परचेज़ किया था रील्स वगैरह बनाने के लिए. बट समहाउ वो जो है इतना अच्छा वर्क नहीं करा. एंड उसमें एक इशू ये आता है कि आप जब उसको बहुत ज़्यादा पर वो पर्टिकुलरली माउंट एक ऐसा होता है कि एक लाइक हॉरिजॉन्टल वे में भी लग जाता है एंड जब आप उसको ट्विस्ट करो तो वो वर्टिकल वे में भी हो जाता है. सो जितना ज़्यादा आप उसको मूव करोगे उतना ज़्यादा लाइक वो लूज़ होने लगेगा एंड वो जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है हेलमेट के ऊपर. तो इसी वजह से मेरे को वो वाला माउंट इतना ज़्यादा खास नहीं लगा. एंड ये पर्टिकुलर जो डेडिकेटेड माउंट है वर्टिकली GoPro को माउंट करने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पे लगा है. बिकॉज इसमें जो है कुछ भी मूवमेंट यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी. दैट्स वाई ये जो है ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा एंड आपके GoPro को ज़्यादा आपके GoPro के अंदर जो है यहाँ पे ज़्यादा शेक नहीं आएंगे. ऑल राइट, अब जो है इस वर्टिकल माउंट को अपन लोग माउंट कर लेते हैं इस हेलमेट पे. सो ये जो हेलमेट है दिस इज़ द एग्जॉर अपेक्स X2. ये जो है अपने रितेश भैया का है और इसके ऊपर भी इसकी पूरी अनबॉक्सिंग है. इसी के साथ साथ पूरा रिव्यू, एक डिटेल्ड रिव्यू मैंने जो है बनाया हुआ है. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आप लोगों को जो उसका थंबनेल आ जाएगा. इसी के साथ साथ आई बटन में आपको यहाँ पे जो है आई बटन आ रहा होगा तो उसमें आप लोगों को जो है लिंक पॉपअप हो जाएगी. सो एक बार पहले हेलमेट देख लो, हेलमेट भी बहुत सही लगता है भाई देखने में. जस्ट हैव अ लुक. सो
सो इस वर्टिकल माउंट को यहाँ पे जो है फटाक से अपन लोग इंस्टॉल कर लेते हैं इस वाले हेलमेट पे। एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए आई हैव टू मूव टू दी GoPro मोड। ऑलराइट, सो अब जो है अपन लोग इंस्टॉल कर लेते हैं वर्टिकल माउंट को हेलमेट पे। सो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है इसके बारे में आप लोग को एक बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट जो रहने वाली है विच इज़ दिस, एक यहाँ पे जो है GoPro माउंट आपके हेलमेट पे होना ज़रूरी है। और ये जो है ये है फ्रॉम ब्लू आर्मर, तो ये तो भैया ने यहाँ पे परचेज़ किया है और ये आपके हेलमेट पे होना मैंडेटरी है। लाइक इसके अलावा आप नहीं लगा पाओगे इस चीज़ को, तो या ये आप मार्केट से ले सकते हो या तो आप जो है ऑनलाइन ले सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो पहली चीज़ आपके हेलमेट में ये वाला माउंट होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दी जे माउंट, तो ये जे माउंट आप लोगों को यहाँ पे लगने वाला है। और जे माउंट के अलावा आप कोई भी और माउंट ले सकते हो, बट ये वाला जो है यहाँ पे होना ज़रूरी है क्योंकि ये उस वाले माउंट पे फिक्स होने वाला है। सो यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस, यहाँ पे जो है आपको इसे ईजिली यहाँ पे बस पुश कर देना है और ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट थिंग दी वर्टिकल माउंट, तो इसको जो है डायरेक्टली यहाँ पे स्टिक कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो लोगो है ये वाला पार्ट आप फ्रंट साइड पे रखो तो इट विल बी बेनिफिशियल। दो इस टाइप के नट्स आप लोगों को लगेंगे, एक नट को यहाँ से टाइट कर देना। सो इस टाइप से कुछ जो है आप इस नट को यहाँ पे टाइट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो कि रिक्वायर्ड है विच इज़ GoPro। सो GoPro जो है आप यहाँ पे कोई भी पिकअप कर सकते हो। सो राइट नाउ आई एम हैविंग द हीरो 8, तो इसको बस यहाँ पे स्टिक कर देना। आपको इस टाइप से आपको कुछ यहाँ पे लगा देना है एंड या एक जो है नट यहाँ पे आप लोग को टाइट कर देना है। ये दोनों नट्स मैंने यहाँ पे टाइट कर दिए हैं एंड बेस्ट पोजीशनिंग आपको जो है देख लेनी है किस टाइप की देखने को मिलेगी, किस टाइप से आपको फिक्स करना है, लाइक कौन सा एंगल आपको चाहिए। सो नाउ ये एक फाइनल लुक है। तो देख सकते हो आप दिस इज हाउ इट इज, धूप में दिखाता हूँ आपको बढ़िया दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, GoPro वर्टिकल माउंट बहुत सही लग रहा है देखने में एंड काफ़ी परफेक्टली जो है इसने वर्टिकली अलाइन कर दिया है अपने GoPro को। क्योंकि अगर आप जो देखो जिस माउंट के बारे में आपको पहले बता रहा था उसको जब हम टिल्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा साइड में चले जाता है, वो या तो वो इधर साइड चले जाता है या तो वो इधर साइड थोड़ा ज़्यादा लेता है, एकदम बीचों बीच में नहीं आता है। तो इसलिए मेरे को जो है पर्टिकुलरली ये हॉटपिट डॉट इन का ये वाला GoPro वर्टिकल माउंट जो कि सिर्फ डेडिकेटेड है GoPro को वर्टिकली लगाने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को एंड हेलमेट के ऊपर भी जो है काफ़ी बढ़िया सूट कर रहा है। काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि ये GoPro के ऊपर क्या लगा है, जिसको पता है डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जिसको नहीं पता उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, कमेंट कर दो कि नहीं पता है, कोई बात नहीं हम बता देंगे आपको अच्छे से। तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लिमिटेशंस। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि चीज़ों का पॉजिटिव एस्पेक्ट होने के साथ साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, तो नेगेटिव कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है, नॉट अ नेगेटिव बट कुछ पॉइंट्स जो कि आपको इस प्रोडक्ट को लेने से यहाँ पे अग्री नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी स्मार्टफोन ब्लॉगर्स हैं, लाइक जो अपने फ्रंट में फ़ोन लगा के वीडियोस या फिर कंटेंट बनाते हैं यहाँ पे यूट्यूब के लिए, तो स्मार्टफोन वालों के लिए ये चीज़ नहीं होने वाली है क्योंकि वो स्मार्टफोन को इसमें नहीं लगा पाएंगे और वो वर्टिकली भी यहाँ पे जो है शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। सो स्मार्टफोन वाले भाई लोग ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। सेकेंड थिंग कि ये प्रोडक्ट जो है इंस्टा 360 के लिए भी नहीं होने वाला है। और अब काफ़ी लोग इस पॉइंट में को ये चीज़ बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं हो सकता, इंस्टा 360 में भी सेम माउंट हम लोगों को देखने को मिल जाता है, सेम ही काइंड ऑफ जो डायमेंशंस हैं वो भी GoPro से काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। तो देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने इंस्टा 360 अगर यूज़ करा होगा एंड यू गाइज नो डैट कि वो चीज़ जो है 360 में यहाँ पे शूट करता है, तो 360 और अगर आप लोगों ने उसका ऐप यूज़ करा होगा तो आप लोगों ने जो है वहाँ पे देखा होगा कि आप लोग जो है सिंगल क्लिक पे 9:16 और 16:9 पे जो है यहाँ पे इजीली शिफ्ट कर सकते हो। तो इंस्टा 360 होने के बाद तो इस प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं बनता है। बट हाँ यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये आ जाता है कि ये प्रोडक्ट इंस्टा 360
1R जो है सिंगल, 1R एंड 1RS जो सिंगल लेंस मोड आता है, लाइक 4K वाला जो एक मोड आता है जिसमें सिर्फ एक ही लेंस दिया रहता है, तो वो वाली चीज़ जो है इसके साथ पेयर अप हो जाएगी, और बाकी X2 X3 तो नहीं रख सकते। सो यही कुछ छोटे से डीमेरिट्स या फिर एक काइंड ऑफ लिमिटेशंस थे इस प्रोडक्ट के। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, जिसके लिए जो है सब लोग यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहे होंगे कि मैं इतनी देर से बोले आ रहा हूँ इसका प्राइस नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो वर्टिकल माउंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है, इसका प्राइसिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, विच इज 499। सो 500 रुपीज के अंदर ये वाला माउंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? इनकी hotpit.in की वेबसाइट पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वेबसाइट आर इन द डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने दी हुई है पिन कमेंट पे, तो वहाँ पे जाके जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन यूज आर डिस्काउंट कोड विच इज top10 फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ, बट द टर्म इज दैट ओनली द फर्स्ट 25 बायर्स कैन क्लेम दिस ऑफर एंड इट इज वैलिड टिल 30th April 2023। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट योर्स नाउ एंड जस्ट हैव अ लुक। ऐसा कुछ वर्टिकल माउंट देखने को मिलने वाला है, और बहुत क्लीन सेटअप लग रहा है, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ हो, बहुत क्लीन सेटअप है। यहाँ का जो नट है वो भी वर्टिकली माउंटेड है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक आ रहा है। सो या दिस इज़ हाउ इट गोना लुक। तो डेफिनेटली आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हो इनकी वेबसाइट को, इनके इंस्टा पेज को, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। सो द बेस्ट बाय लिंक फॉर GoPro वर्टिकल माउंट आर इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पिन कमेंट में भी मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल दूंगा, आप लोग जो है वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज के इस वाले वीडियो में काफी मजा आया होगा। इंस्टाग्राम हैंडल जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके आप लोग जो है फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छा कॉन्टेंट आप लोग को इंस्टा पे भी देखने को मिल जाएगा। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जो है आप लोग जाके चेकआउट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अकाश साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय।